फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का ओपन। कैसे हो आप सब? तो देखिए, खूबसूरत सा फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ। किस किस को ये फ्लावर जो है इसकी पहचान है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिसने ये फ्लावर देखा है उसको पता है कि इसमें से कितनी अच्छी खूबसूरत आती है, खुशबू आती है। परमानेंट प्लांट है, लेकिन ये फ्लावरिंग जो है परमानेंट नहीं करता है। इसकी फ्लावरिंग सीजन में सिर्फ एक ही बार होती है मेरे गार्डन में। तो आपके गार्डन में कब कब होती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए प्लांट दिखाती हूँ। ये देखो, पहचाना आप सबने, ये है हमारा करी पत्ते का प्लांट जिसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ आज। अगर आप जानना चाहते हो आप अपने प्लांट को कैसे बुशी बनाओगे, घना बनाओगे, इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाओगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर इसी तरह के प्यारे प्यारे से वीडियो आपको देखने हैं। तो सबसे पहले टिप यहाँ पर देखिए, हमने इसकी कटाई की थी आज से 15 दिन पहले। ये देखो, यहाँ से कट मारा तो यहाँ से 2 ब्रांच निकली है। इससे भी ज़्यादा कमाल आगे दिया तो ये देखो, ये वाली कटिंग साइड जाना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ से कट लगाया था और इसकी कटिंग भी हमने ग्रो कर लिया। तो आप ब्रांच गिनो कितनी है। यहाँ नीचे की तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 और एक और दिखाती हूँ। देखो, 5 उंगली वहीं है, 6 और एक यहाँ से 7 दिख रहा होगा आप सबको, और ये 8। ओहो जी, इसमें भी देखो, यहाँ नीचे की तरफ से 3 है, 1 ठीक है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, 2 और ये 3। तो कटिंग करने से कभी भी डरा मत करो। एक ब्रांच कट करोगे तो वहाँ से मेरी तरह इतनी सारी ब्रांच मिलेगी। घना कैसे बनाते हैं, इसकी लीव्स इतनी बड़ी सारी कैसे होती है, कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आज के वीडियो में सारा कुछ है। चलिए मैं आपको एक कमाल की चीज़ भी बताती हूँ। तो देखिए, कमाल की बात इसमें क्या है, इसका पॉट, इसका पॉट आप देख सकते हो कैसा है। और इसका पॉट आप बिलीव करो, आज से 4 साल पहले मैंने खुद ने बनाया था। 4 साल पहले मैंने ये पॉट बनाया था और पिछले 2 साल से ये प्लांट इसी में लगा हुआ है। यहाँ पर स्टिक वगैरह लगाकर इसको टाई किया गया था, बांधा गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हो इसमें निशान पड़े हुए, क्योंकि जिस टाइम हमने इसको बांधा था उस टाइम ये बिल्कुल पतलू सा था, अब ये थोड़ा मोटा सा हो गया है। तो इस वजह से अगर आपने भी बांध रखा हो तो उसे एक बार साल में ज़रूर खोल खाल के देख लिया करो। इसकी रिपोर्टिंग के लिए मैंने दूसरा गमला ले लिया है सेम हाइट का। शुरुआत में मैंने 4-5 गमले बनाए थे, लेकिन जैसे कि हम सीखते सीखते ही सीखते हैं, तो जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला गमला था वो 1-1 साल चले और उसके बाद टूट गए। और उसके बाद ये मैंने ये जो बनाया था ये काफ़ी मजबूत बना था, तभी इतने सालों से चल रहा है। आपको सीखना हो कैसे बनाया था तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। तो ये है मेरा होममेड पॉट जो मैंने खुद ने बनाया था, और ये है मार्केट वाला, देख सकते हो दोनों में अंतर। अब देखिए, बॉटम होल जो है उसको कवर कर लेते हैं। मिट्टी का रेशियो 50% मिट्टी, 30% उसमें मिक्स करेंगे अपना खाद, खाद कोई सा भी हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, पत्तियों की खाद हो, थोड़ी सी नीम की खली, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा फंगी पाउडर, ये सब डालकर मिट्टी अच्छे से बना लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना या चैनल पर जाकर देख सकते हो कि मिट्टी कैसे बनाते हैं। बॉटम होल दिखा दिया मैंने, अब नीचे की तरफ मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी। प्लांट यहाँ से निकाल कर लगाती हूँ और आप रूट देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त बनी है। मुझे इस पॉट को बचाना है, नहीं तो मैं इसको निकालते हुए आपको दिखा देती। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 साल से लगभग ये इसी में लगा है। तो देखो कितना मोटा गुच्छा इसका जड़ों का निकला है और बहुत मेहनत करने के बाद निकला है। बेस्ट बात पता क्या है, ये हमारा पॉट जो है ना वो बच गया। ये देखिए, अब मैं इसकी रूट ट्यूनिंग कर देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि कर दिया काफ़ी सारी और नहीं करती कभी ये ख़राब हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब समर ना थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी वाला हो गया है, अगर ज़्यादा कटाई छटाई की तो हो सकता है इसको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो जाए। मिट्टी जो मैंने बताई है वो इसमें भर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लांट को लगा लिया है और एक ये कटिंग अपने आप ही, मतलब सीड से ही ग्रो हो जाते हैं। जैसे आसपास कोई गमला रखा रहता, अब जैसे इस पर फ्लावर आया ना, कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद इसमें फ्लावर खिलने के बाद इसमें सीड बन जाएंगे। तो इस वाले गमले में से मैंने ये निकाला है खोद कर, इसी में लगा देते हैं। ऊपर से कुछ इसमें मैं और एक्स्ट्रा खाद वगैरह डालूंगी, फंगी पाउडर डाल देते हैं चुटकी भर के करीब। इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी होता है। ज़्यादा डालने से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान ज़रूर हो सकता है। 1 मुट्ठी के करीब इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगी, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो किचन वेस्ट भी डाल सकते हो, 1 मुट्ठी से ज़्यादा मत डालना। उसके बाद मैं 1 मुट्ठी के करीब इसमें डालूंगी नीम की खली, सरसों की खली, आप ये भी डाल सकते हो, इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हो। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सी वीड स्ट्रैक, ये भी चुटकी भर के करीब ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत डालना। आप जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं इनको पहले मिक्स कर लो, ठीक है, ऐसे ही मत छोड़ दिया करो। अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ से डाल रहे हो तो थोड़ी सी मिट्टी गुड़ाई करके उसके बाद डाल दिया करो, और अगर मेरी तरह रिपोर्ट कर रहे हो तो जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे करते रहना। साल में 2 बार आपको अपने प्लांट पर अच्छे से हैवी कटिंग करनी है, हैवी गुड़ाई करनी है, ऊपर से खाद वगैरह ऐड करना है जैसे कि हमने अभी किया है,
और नेक्स्ट टाइम हम कब करेंगे, रेनी सीजन के बाद, ठीक है। और कटाई ज़रूर करते रहो, लिक्विड फर्टिलाइज़र चैनल पर बहुत सारे हैं, उन सबको बदल के दो। एक हफ्ते में कम से कम आपको दो तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, वाटरिंग रोज़ करनी है। और रोज़ करने का मतलब ये नहीं है कि प्लांट की जो मिट्टी है वो बिल्कुल गीली हो रही है, कीचड़ सा बना रहा है उसमें, रोज़ करो लेकिन सूख जाए तभी करो, नहीं सूखा तो नेक्स्ट डे कर देना, ठीक है। इस तरह से फिल करने के बाद, जैसे कि हमने इसको अभी रिपोर्ट किया है, तो मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। पहली बार वाटरिंग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, इतना करेंगे कि ये बिल्कुल गीला हो जाए सारी की सारी मिट्टी। शेडी एरिया में रखूँगी हफ्ते भर के लिए, क्योंकि अभी तेज़ गर्मी होने लगी है, और जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा तब मैं इसको धूप में रखूँगी। परमानेंट प्लांट है, आप सबको पता ही है, धूप में रखें पूरे दिन की धूप, और इसके बड़ी बड़ी लीव्स का फ़ायदा उठाएं। लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना, उसी से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।